सब एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं सलीली के घर को, जहाँ पर ग्रैंडपा उबरे बैठकर आराम कर रहे होते हैं। एंड रेचिडलर खाना बना रहा होता है। एंड रेचिडलर बोलता है, ग्रैंडपा उबरे, मैं सिर्फ 3 लोगों के लिए खाना बना रहा हूँ, सो आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा खाना हो सो मुझे बता देना। सो उबरे बोलते हैं, 3 लोगों का खाना काफी नहीं रहेगा, तुम्हें आज 20 लोगों के लिए खाना बनाना है। सो रेचिडलर कहता है, क्या 20 लोगों के लिए? क्या हमारे मेहमान आ रहे हैं? देन तभी गेट खुलता है एंड हम लोग देखते हैं जीली की पूरी टीम ट्रेनिंग करके वापस आ चुकी होती है। सो उन्हें देखकर उबरे रेचिडलर से कहते हैं, जल्दी करो, तुम्हें 20 लोगों के लिए खाना बनाना है, तुम्हें याद है ना? सो रेचिडलर कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो सिर्फ आधा ही घंटा हुआ है। एंड तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं जीली को, जो कि खाना खा रहा होता है एंड वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और बाकी लोग भी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। सो ग्रैंडपा उबरे कहते हैं, तुम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग इतनी जल्दी खत्म कर ली, सो बताओ तुम्हें मेरी ट्रेनिंग पसंद आई ना? सो जीली की पूरी टीम उठते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। एंड सलीली बताती है, हमारा उन लोगों के सामने कोई चांस ही नहीं था एंड उन लोगों ने हमको सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही हरा दिया। एंड ब्रॉस कहता है, बिल्कुल सही, हम लोग आमतौर पे मॉन्स्टर से लड़ते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों की ट्रेनिंग बहुत ही अलग थी, हम लोग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, ऊपर से जीली के क्लोन की पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। एंड जीली सोचता है, बिल्कुल सही, इस बार हम लोगों की फाइट किसी पीवीपी गेम के तरीके हुई थी एंड जिनने हम लोगों पे अटैक किया था वो कोई ब्रेनलेस मॉन्स्टर नहीं थे, बल्कि वो स्ट्रेटेजी बना के इंसानों के तरीके ही लड़ रहे थे। बैटल के स्टार्ट में सारे क्लोन्स खूब दूर दूर भाग गए, सो हम लोगों को लगा ये हम लोगों को अलग करके लड़ना चाहते हैं, इसी वजह से हम लोग एक ही साथ रहे थे, बट हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग इतनी अचानक से हमला कर देंगे और मेरे क्लोन को छोड़कर सारे क्लोन्स ने मुझे घेर लिया, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाया एंड मैं सिर्फ अपने क्लोन्स को अपने दोस्तों को मारते हुए देख रहा था, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। एंड थोड़ी देर में हमारी लड़ाई 1v1 से 5v1 हो गई। ऐसा कहा जा सकता है कि हम लोग बैटल स्टार्ट होने से पहले ही हार गए। तो उबरे बोलते हैं, बहुत बढ़िया जीली, तुम्हारी बैटल की एनालिसिस तो बहुत बढ़िया है, तुमने बिल्कुल सही कहा जीली, क्योंकि बैटल स्टार्ट होने से पहले ये फिक्स हो गया था कि जीतेगा कौन। किसी भी तरीके के टीम बैटल में सिर्फ तुम्हारी इंडिविजुअली पावर डिफाइन नहीं करती है कि तुम जीतोगे कि नहीं, तुम्हारी जीत तुम्हारे टीम वर्क पे डिपेंड करती है। ये सब बिल्कुल चेस के गेम के तरीके है, जहाँ पर कुछ प्यादों को अटैक करना होता है, कुछ प्यादों को डिफेंस, यहाँ तक कि काफी सारे प्यादों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, और इतना कुछ करने के बाद ही हम लोग अपने अपोनेंट का कुछ बिगाड़ सकते हैं। जिन क्लोन से तुमने फाइट की थी वो बहुत ज्यादा होशियार नहीं थे और न ही बहुत ज्यादा पावरफुल, बस उन लोगों ने तुम्हारी खुद की स्किल्स को यूज करके सबसे बढ़िया टीम वर्क स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिसकी वजह से वो तुमसे जीतने में कामयाब हो सके। आज तुम लोग आराम कर लो एंड हम लोग कल सुबह ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे एंड कल की ट्रेनिंग में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, तब तक के लिए अच्छे से आराम करो। देन तभी रात हो जाती है एंड हम लोग देखते हैं जीली को, जो कि आज ही की ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा होता है एंड सोचता है कि अगर आज क्लोन्स की जगह रियल एनिमीज होते तो क्या मैं अपनों की रक्षा कर पाता। सो आंसर है, नहीं, मैं नहीं कर पाता, मुझे अपनों की रक्षा करने के लिए स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। देन वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी मॉम के पास एक बहुत बढ़िया कंपनी में काम करने की अपॉर्चुनिटी थी, बट अगर वो उसमें काम करती सो उनको मेरी देखभाल करने के लिए टाइम नहीं मिलता, इस वजह से उन्होंने इस नौकरी को छोड़कर एक मुश्किल पार्ट टाइम जॉब की, ताकि उनका उनके टाइम पे पूरा तरीके से कंट्रोल रह सके और वो मुझे अच्छे से बड़ा कर पाए। एंड एक बार वो जीली के साथ खड़ी होकर अपनी बॉस से रिक्वेस्ट कर रही थी कि क्या वो हर वेनेसडे को अपने बच्चे को यहाँ पर साथ ला सकती हैं, बट जीली की मॉम की हालत देखकर उसका बॉस उसकी मॉम को छेड़ने लगता है एंड ये बात जीली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इस वजह से वो गलत जगह पर मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से बॉस को काफी जोर से लगती है एंड उसकी मॉम बॉस से माफी मांगने लगती है, बट उसका बॉस जीली को पीटने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। सो जीली को बचाने के लिए उसकी मॉम बॉस को उठाकर जमीन में पटक देती है, जिसकी वजह से उसका बॉस नॉकआउट हो जाता है एंड वो वहां से जाते हुए कहती है, अगर तुम मुझे जॉब में नहीं रखना चाहते सो बाहर में जाओ, लेकिन मेरे बच्चे से दूर रहना। एंड उसी वक्त मैंने अपनी मॉम को हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा किया, बट तभी उसको एक आवाज आती है, तुम अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ किसी को बचाने के बारे में सोच रहे हो, कितना भद्दा मजाक है। सो जीली कहता है, ये आवाज, ये तो शायद से उसी आदमी की है, अंकल क्या ये आप हो? अगर आप हो तो रिस्पॉन्स कीजिए, बट उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। सो यूरोका से भी पूछता है क्या उसने कोई आवाज सुनी है, सो यूरोका मना कर देती है। सो वो सोचता है ये आवाज सिर्फ मुझको ही क्यों सुनाई दी। एंड तभी यूरोका जीली के ऊपर आके सो जाती है। सो जीली उसको साइड में रखते हुए कहता है, अगर तुम मेरे ऊपर सोगे सो मैं कैसे सोऊंगा, पता नहीं मॉम मेरा ख्याल कैसे रख लेती थी। मॉम मैं बहुत जल्दी घर आऊंगा एंड अब तो मुझे पता भी है कि मुझे क्या करना है, मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल होना है ताकि मैं गार्डियन को हरा सकूं और ग्रैंडपा उबरे के साथ इस टाउन से बाहर निकल सकूं। हालांकि मैंने बेस किंग को हराया है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, बट आज की बैटल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है, क्योंकि बेस किंग जल्दबाजी में बिना सोचे समझे अटैक कर रहा था, बट वो जो आज के क्लोन्स थे वो बैटल में काफी ज्यादा स्ट्रेटेजी बना रहे थे। देन तभी वो आंखें खोलता है एंड वो देखता है वो कोई दूसरी जगह पर आ चुका होता है एंड उसके सामने हेसियोड होता है। सो कहता है, अंकल क्या आप सही में यहाँ पर हो या ये सब सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, और ये जगह कौन सी है, मैं यहाँ पर अचानक से कैसे आ गया।
सुहैस सियोट कहता है, ये तुम्हारा इनर वर्ल्ड है, यहाँ पर मैं तब से हूँ जब से तुम मेरे मास्टर बने हो। सुजीली कहता है, क्या मेरा इनर वर्ल्ड? जो भी हो, मैं आपसे इस वजह से मिलना चाहता था क्योंकि जब मैं आपसे पहली बार मिला था तब मैं बहुत ज्यादा वीक था और मुझे जो भी स्ट्रेंथ मिली है वो सब आपकी वजह से मिली थी, इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहता था क्योंकि आपके बिना मैं बेस्ट किंग को बिल्कुल भी नहीं हरा पाता। लेकिन ये बताइए, मेरे इनर वर्ल्ड में इतने सारे फ्लावर्स क्यों इधर उधर उड़ रहे हैं? सो तभी है सियोट कहता है, मुझे नहीं पता, यूजुअली सभी लोगों के इनर वर्ल्ड में सिर्फ वही चीजें होती हैं जिनके बारे में वो सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। सुजीली कहता है, लेकिन मैं इन फ्लावर्स को बिल्कुल भी नहीं जानता, तो ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सो हेसियोट कहता है, फालतू चीजों के बारे में दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है और मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे फालतू क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए नहीं बुलाया है। तुम्हें यहाँ पर लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना। देन तभी वो पावर अप करते हुए बोलता है, हालांकि मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1% पावर ही रिकवर की है, लेकिन फिर भी तुम्हें वो दिखाने के लिए काफी है कि कियोटिक एलिमेंटल पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। और तो और, जो तुम कियोटिक एलिमेंटल पावर यूज करते हो वो रियल पावर का 0.001% भी नहीं है। सो जिली कहता है, क्या इतना कम? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो हम के बीच की पावर का डिफरेंस तो 1000 गुना हो गया। सो कहता है, मैं तो बस तुम्हें कम से कम बता रहा था क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं भी यहाँ पर नहीं बच पाऊंगा, इसलिए कि हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड तभी जीली को सिस्टम डिस्प्ले होता है जिसमें लिखा होता है कि उसको 3 मिनट तक हेसियोट के सामने टिकना है एंड अगर वो ये करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको 400,000 एक्सपी पॉइंट मिलेंगे। जीली अपने कियोटिक एलिमेंटल पावर की यूज करते हुए कहता है, जो भी हो मैं ये तो 300 मिनट तक भी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 3 मिनट की ही बात है। चलिए अंकल शुरू करते हैं। सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं गार्डियन के प्लेस को, जहाँ पर एक गार्डियन हिक्स को हील करते हुए कहता है, हिक्स क्या जीली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने तुम्हारी ये हालत कर दी? सो हिक्स कहता है, आज ही घंटा स्ट्रॉन्ग है, मैं बस थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, इसी वजह से मेरी थोड़ी बहुत चोट लग गई। तभी वहाँ पर एक और गार्डियन आ जाती है एंड बोलती है, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि जहां तक मैं उसको जानती हूं, अगर उसने फुल पावर का तुम्हारे ऊपर यूज किया होता तो आज हम लोग तुम्हारी राग बटोर रहे होते हैं। कहता है, लूसियस आखिर तुमने क्या कहा अभी? लूसियस अपनी हुडी उतारते हुए कहती है, लॉर्ड डोरोब ने तुम्हें सिर्फ इतना ही कहा था कि तुम्हें वहां पर जाना है और उसकी पावर का थोड़ा अंदाजा लेके आना है ताकि हम लोगों को पता चले कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बुरी तरीके से पिट के आ जाओगे और मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसा कोई बेकार आदमी एक गार्डियन कैसे बन सकता है। सो हिक्स कहता है, लूसियस तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो, जैसे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम्हारी लड़ाई उससे होगी तो तुम भी झटके में ही हार जाओगी। तभी लूसियस हिक्स के सर पे अपना पैर रख देती है एंड कहती है, तुम आजकल अपना मुंह बहुत चलाने लगे हो और मैं ये बात मानती हूँ कि वो जीरी नाम का लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे हिसाब से उसके पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ है, उसके पास स्किल्स तो बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी अगर लॉर्ड डोरोब मैदान में उतर गए तो वो किसी को भी एक झटके में ही हरा सकते हैं, उनके लिए किसी को भी हराना कोई भी बड़ी बात नहीं है। एंड तभी एक गार्डियन बोलता है, उबरे 12 हीरोज में से एक है और वो टाउन में अपने टीम के लिए बहुत सारे लोगों को रिक्रूट भी कर रहा है, सो अगर डोरोब ने कुछ भी किया तो टाउन में बहुत ज्यादा पैनिक मच जाएगा। सो लूसियस कहती है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? देन वो गार्डियन अपने पीछे एक मॉन्स्टर को समन करते हुए कहता है, ये देखो, जिसको देखकर वहां पर सारे लोग चौंक जाते हैं, ये तो लेटनाया वंडरर है। एंड वो गार्डियन वंडरर से कहता है, जाओ जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसको मार दो। एंड वो मॉन्स्टर वहां से निकल जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं हेसियोट एंड जीली की फाइट को, और जीली ने 1 मिनट निकाल लिया होता है एंड अभी भी 2 मिनट बाकी होते हैं एंड हम लोगों को पता चलता है कि जीली 1 मिनट से भाग ही रहा होता है, उसने अभी तक हेसियोट पे एक भी वार नहीं किया होता एंड वो सोचता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में 3 मिनट ही निकालने हैं जिसकी वजह से मुझे 400,000 एक्सपी पॉइंट मिल जाए एंड उसके बाद जैसा अंकल चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। देन वो कहता है, 1 सेकंड, लेकिन मेरे पीछे अंकल आ क्यों नहीं रहे हैं? एंड हम लोग देखते हैं जीली के सर के ऊपर एक लाइट होती है जो कि हेसियोट होता है एंड वो जीली के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि जीली बच जाता है एंड हम लोग देखते हैं हेसियोट के अटैक के इंपैक्ट की वजह से वहां पर जमीन बीच से पूरी तरीके से फट चुकी होती है एंड हेसियोट की पावर की स्ट्रेंथ देखकर जीली सोचता है, आखिर ये किस तरीके की ट्रेनिंग है, वो तो मुझे मारने का ही ट्राई कर रहा है, वो तो ये अच्छी बात है कि मेरे पास बेस किंग की शील्ड है जिसकी वजह से मेरे पास 0.5 सेकंड ज्यादा रिएक्शन टाइम है। एंड तभी वहां पे हेसियोट आ जाता है जो कि कहता है, तुम कब तक ऐसे ही भागते रहोगे, मुझसे सामने से फाइट करो, और ये अच्छी बात है कि तुम मेरे लास्ट अटैक से बच गए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कायरता को माफ नहीं कर सकता। तो जीली एक तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, अंकल देखो आपके पीछे वो क्या है? हेसियोट उधर ही देखने लगता है जिसका कि फायदा उठाकर जीली वहां से भाग जाता है एंड वो सोचता है, मिशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे और भी ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी। देन वो हेसियोट से कहता है, अंकल क्या हम लोग थोड़ी देर
बाद फाइट कर सकते हैं क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करना है। सुहैसियॉर्ड कहता है, तुमने इस फाइट में किया ही क्या है, तुम पूरे टाइम भागते ही तो रहे हो और वैसे भी तुम्हारा एनिमी कभी भी तुम्हें आराम करने का टाइम नहीं देगा। देन वो इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जीली के पीछे आ जाता है एंड वो कहता है, जीली ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला सबक है। वो जीली पे अटैक कर देता है बट जीली उसकी अटैक से फ्लैश का यूज करके बच जाता है एंड उस पे काउंटर अटैक भी कर देता है जिसकी वजह से ऐसी और चौक जाता है एंड सोचता है ये अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गया और तो और मैंने इसको हिलते हुए भी नहीं देखा, ये तो बिल्कुल मेरे पीछे टेलीपोर्ट ही हो गया। एंड जीली सोचता है जब इन्होंने अटैक किया था तब मैंने अपनी फ्लैश एबिलिटी का यूज कर लिया था बट अब उसका 5 मिनट का कूल डाउन चल रहा है सो अगर उसके बीच में इन्होंने मेरे पे अटैक किया सो मैं नॉकआउट हो जाऊंगा और मिशन कम्प्लीट होने में अभी 30 सेकंड्स बाकी है, मुझे इनको 30 सेकंड्स तक रोक के रखना पड़ेगा। एंड वो हैसियॉर्ड से कहता है, अंकल क्या मैं थोड़ी देर तक आराम कर सकता हूँ, देन उसके बाद मैं आपसे अच्छे से लड़ूंगा और भागूंगा भी नहीं। हैसियॉर्ड कहता है, ठीक है बट तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने मेरे अटैक से बचने के लिए कौन से स्किल का यूज किया है। देन तभी जीली का मिशन कम्प्लीट हो जाता है जिसकी वजह से उसको एक्सपी पॉइंट मिलते हैं एंड वो हैसियॉर्ड से अपने स्किल्स के बारे में पूरी तरीके से बताता है और यह भी बताता है कि उसने अभी फ्लैश का यूज किया था। इन सब स्किल्स को यूज करने के लिए उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस एक बार अपनी बॉडी को कमांड देना पड़ता है और उस स्किल के हिसाब से मेरी बॉडी खुद से ही रिएक्ट करती है। सो हैसियॉर्ड कहता है, तुमने जो कुछ भी अभी बोला है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस फ्लैश स्किल को पहले भी देखा है। सो जीली पूछता है, क्या मेरे अलावा भी किसी ने ये स्किल का यूज किया है? सो हैसियॉर्ड सोचता है, मुझे इससे लड़ने बिल्कुल नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है, आखिर मैंने पहले किससे फाइट की थी और मुझे कुछ याद क्यों नहीं। देन जीली को याद आता है कि उब्रे ने उसको हैसियॉर्ड के बारे में कुछ बताया था और इन अंकल ने मुझे क्योटिक एलिमेंटल पावर दी है सो मुझे तो यही लग रहा है कि ये हैसियॉर्ड ही है। एंड वो कहता है, अंकल मुझे आपसे कुछ बताना है, मैं जानता हूँ कि आप कौन है, आपका नाम है हैसियॉर्ड, आप वो ही है जिसने दुनिया को बुराई के देवता मॉर्फियस के आतंक से बचाया था और उसका खात्मा भी किया था, क्या आपको भी कुछ याद आ रहा है? सो वो जीली की बात सुनकर चौंक जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं जीलीली के घर को जहाँ पर बेस्टमैन खर्राटे मार के सो रहा होता है जिसकी वजह से बोबैन को नींद नहीं आ रही होती। देन वो अपने बेड से उठ जाता है और कहता है, मैं अब इससे ज्यादा नहीं सह पाऊंगा, बट तभी उसको कुछ स्मेल आती है जिसकी वजह से वो चौंक जाता है एंड कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, ये तो सच में वही है। देन तभी वहां पर छत तोड़ के वही मॉन्स्टर आ जाता है जिसको कि गार्डियन ने इनको मारने के लिए भेजा होता है एंड रेचिल्डर मरुए से निकलते हुए कहता है, क्या यहाँ पे कोई भूकंप आया था? वो सब तो ठीक है लेकिन बोबैन कहाँ है, क्या वो यहाँ पे दब के मर गया? देन तभी उसके मुंह पे एक पत्थर आके लगता है जिसकी वजह से उसका मुंह फूट जाता है एंड वो कहता है, आखिर आधी रात को ये सब चीजें कौन फेंक रहा है, किसकी मौत आई है? देन वो देखता है बोबैन एंड उस मॉन्स्टर की लड़ाई चल रही होती है जहाँ पर बोबैन उस पर अटैक करता है बट वो मॉन्स्टर उससे बच जाता है। देन बोबैन कहता है, मैं बिल्कुल सही था, ये वही मॉन्स्टर है जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा था, मैं मरते दम तक इसको नहीं भूल सकता, मैंने पूरी जिंदगी बस इसी पल के लिए ट्रेनिंग की थी ताकि मैं तुम्हें ढूंढ के मार पाऊं, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि तुम खुद ही मेरे पास मरने आ गए। देन बेस्टमैन बोबैन से पूछता है, आखिर तुम ठीक हो और ये मॉन्स्टर कौन है? सो बोबैन कहता है, अगर अपनी जान प्यारी हो तो शांत बैठो, और तुम, मैं पहले तो तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा और फिर तुम्हारी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और फिर तुम्हारा पूरा खून निकाल के अपने पेरेंट्स की कब्र में डालूंगा, तभी होगा मेरा बदला पूरा, अब मरो। एंड वो उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं लूसियस को जो कि कहती है, ये प्लान तो बहुत बढ़िया था। सो हिग्स बोलता है, पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ उन पे ही अटैक हुआ है तो क्या उनको शक नहीं होगा? सो तीसरा गार्डियन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा हिग्स, इसीलिए मैंने पूरे विलेज में और भी मॉन्स्टर स्पॉन किए हैं जो कि मेरा एक इशारा पाते ही पूरे विलेज में अटैक कर देंगे जिसकी वजह से उबरे खींचा चला आएगा और फिर उसको लॉर्ड डोरो खुद अपने हाथों से मारेंगे। एंड लूसियस कहती है, तो ठीक है मैं उस हीलर से लड़ने जा रही हूँ, बस मुझे उम्मीद यही है कि वो ज्यादा देर तक टिक पाएगा क्योंकि अगर ये सब कुछ जल्दी खत्म हो गया तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। एंड हम लोग देखते हैं रेसिडलर को जो कि भाग के उबरे के पास गया होता है एंड उसको बता रहा होता है कि मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। देन बोबैन देखता है विलेज की तरफ जहां पर आग लगी होती है। सो रेसिडलर से कहता है, तुम जीली को ढूंढो ताकि वो सेलिनी को प्रोटेक्ट कर पाए। देन वो वहां से निकल जाता है ताकि वो विलेज में जाके बाकियों की मदद कर पाए। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं जीली के इनर वर्ल्ड को जहां पर जीली हैसियॉर्ड को पूरी कहानी बता रहा होता है कि हैसियॉर्ड आखिर है कौन। देन वो कहता है कि आपको कुछ भी याद आया? सो हैसियॉर्ड कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा दिमाग अभी भी खाली है, जिसकी वजह से जीली निराश हो जाता है एंड सोचता है ये सब बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है क्योंकि नॉर्मली मूवीज में तो लोग जैसे ही अपना नाम सुनते हैं वैसे ही उनको सारी मेमोरीज वापस आ जाती है। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर ये आदमी सही में एसियॉर्ड हुआ तो मुझे मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिल जाएंगे। देन एसियॉर्ड कहता है, जीली लड़ने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर तुम अपनी सारी स्किल्स का यूज करो तो मुझे शायद कुछ याद आ जाए। सो जीली उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है बट तभी वहां पर योरुका की आवाज आती है जिसको सुनकर जीली चौंक जाता है एंड हम लोग देखते हैं रियल वर्ल्ड में जीली की बॉडी को योरुका ही प्रोटेक्ट कर रही होती है। वहां पर लूसियस भी आ चुकी होती है, कहती है तुम्हें
तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ जीली को ही मारूंगी। बट यूरोका जीली को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं हो रही होती। सो लुसियस कहती है, अगर तुम इससे इतना ही प्यार करती हो तुम्हें भी उसके साथ ही मर जाना चाहिए। तभी अचानक से हवा का झोंका आ जाता है जिसको देख कर लुसियस चौंक जाती है। एंड हम लोग देखते हैं वो हवा का झोंका जीली की वजह से आया होता है, क्योंकि बहुत तेजी से लुसियस के पीछे आ चुका होता है। एंड यूरोका से कहता है, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं विलेज को, जहाँ पर बिल्कुल तबाही मची होती है। चारों तरफ आग ही आग फैली होती है और लोग मर रहे होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं बच्ची अपने मदर के पास बैठकर रो रही होती है, बट तभी उस पे एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। एंड वो उस बच्ची को खाने ही वाला होता है, बट तभी उस पे कोई अटैक कर देता है। एंड हम लोग देखते हैं उबरे ने ही वो अटैक किया होता है और उस बच्ची को बचा लिया होता है। बट उबरे को काफी सारे मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं, बट उन सभी मॉन्स्टर्स पे किसी ने अटैक कर दिया होता है। एंड हम लोग देखते हैं वहाँ ब्रॉस एंड फ्लोरका भी आ चुके होते हैं। एंड उबरे कहता है टाउन के बाहर एक प्रोटेक्शन शील्ड लगी हुई है और तो और बॉर्डर के आसपास कुछ लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं। तो ये मॉन्स्टर टाउन तक इतनी आसानी से कैसे पहुंच गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब उनका काम है और टाउन में ये मॉन्स्टर सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए भेजे गए हैं ताकि वो लोग हमें मार सकें। ब्रॉस फ्लोरका, तुम लोग टाउन के सेंटर में जाके लोगों की मदद करो और उनको एक जगह पर इकट्ठा करो। सो ब्रॉस कहता है, आखिर आप कहां जा रहे हैं? सो उबरे कहता है, मैं बॉर्डर्स में जा रहा हूँ वहाँ की शील्ड को रिपेयर करने। सो ब्रॉस कहता है, वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है, हम लोगों को भी आपके साथ आने दीजिए। बट उबरे उनको मना कर देता है एंड कहता है, तुम बाकी लोगों की मदद करो। देन वो वहाँ से उड़कर कहीं को चला जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जीली एंड लुसियस को, जहाँ पे लुसियस कैरी होती है। तुम उस टाइम से ज्यादा फास्ट हो चुके हो जब हम लोगों ने लास्ट टाइम लड़ाई की थी। तो जीली सोचता है, अच्छा ये वही है जिसने सेलिली पे अटैक किया था, मैंने सोचा था जो लुसियस है वो लड़का होगा, बट ये तो लड़की निकली। हे आंटी, क्या आपको छुप छुप के वार करने मजा आता है? सो लुसियस अपने आप को आंटी सुनकर चौंक जाती है। एंड जीली सोचता है, अगर हम लोगों ने गॉड को हरा दिया सो सबके सब आजाद हो जाएंगे, फिर ये लोग आखिर हम लोगों को मानना क्यों चाहते हैं? सो लुसियस बोलती है, ये टाउन को लॉर्ड डोरोप ने बनाया था और अगर इसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कुछ भी काम करता है सो हम लोग बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। गॉड की इच्छाओं के विरोध करना एक बेवकूफी है। सो जीली अपने एलिमेंटल पावर यूज करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि टेंपल सच में है और मेरे उस तक पहुंचने के रास्ते में कोई भी अगर आएगा और मेरे दोस्तों को दुख पहुंचाएगा तो मैं उसको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, फिर चाहे वो घोष डेविल या गॉडी क्यों ना हो, मैं सबको मार दूंगा। तो लुसियस कहती है, तुम सच में बेवकूफ हो, तुमने हिक्स को हरा दिया सो तुम क्या अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हो? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें बता दूं कि तुम गलत हो, क्योंकि हिक्स हम सभी गार्डियन में सबसे कमजोर था और मेरी बैटल पावर लॉर्ड डोरोप के पास सबसे ज्यादा पावरफुल है। देन तभी वो अपने क्लोक से काफी सारे वुल्फ्स को निकाल लेती है। सिस्टम बताता है, ये सब है शैडो वुल्फ जो कि लेवल 45 के हैं, इनकी स्पीड एंड मोबिलिटी काफी ज्यादा है और इसीलिए ये खतरनाक भी है। एंड वो उन वुल्फ्स को जीली पे छोड़ देती है। तभी जीली एनाइलेशन स्लैश का यूज करता है जिसकी वजह से वो सारे वुल्फ्स एक ही अटैक में खत्म हो जाते हैं, जिसको देखकर लुसियस चौंक जाती है एंड वो वापस से जीली पे एक अटैक करती है। शैडो स्ट्रीम 3000 ब्लेड्स, बट जीली बेस किंग की शील्ड को यूज करते हुए उससे बच जाता है और उसे एक खरोंच तक नहीं आती। एंड लुसियस से कहता है, तू बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी लेकिन अब क्या हो गया? एंड लुसियस सोच रही होती है, मैंने इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड वो वापस से कोई स्पेल यूज करके हवा में चली जाती है एंड कहती है, कोई बात नहीं जीली, ये तो ट्रेलर था। एंड हम लोग देखते हैं वहाँ बहुत बड़ा सा वुल्फ स्पॉन हो जाता है जिसकी की मुंह में शॉट होती है। एंड तभी लुसियस जीली से कहती है, सो यही है मेरी ट्रू पावर। देन तभी मिशन भी डिस्प्ले होता है जहाँ पर जीली को अपोनेंट के लीडर को मारने के साथ साथ टाउन को भी बचाना होता है। देन तभी हमें टाउन की हालत दिखाई जाती है जहाँ पर मॉन्स्टर्स ने आतंक मचा रखा होता है एंड कुछ हीरोज उनसे लड़ रहे होते हैं एंड उन्होंने शील्ड भी बनाई होती है, बट वो मॉन्स्टर शील्ड को भी क्रैक करके अंदर आ जाते हैं। एंड एक लड़का कहता है, आखिर बाउंड्री के शील्ड को एन्चेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो एक लड़की कहती है, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते ही जा रहे हैं, हम लोगों ने शील्ड को रिपेयर भी कर दिया फिर भी शायद हम लोग ना ही बच पाए। एंड तभी उनका टीचर कहता है, सब लोग कान खोल कर सुन लो, इस जगह की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है और हमें उसको निभाना ही पड़ेगा, फिर चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। एंड वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अंदर आ जाते हैं और शील्ड में क्रैक्स भी बढ़ जाते हैं, बट तभी शील्ड में एक लाइटनिंग स्ट्राइक आती है जिसकी वजह से शील्ड रिपेयर हो जाती है। एंड ये सब किया होता है ग्रैंडपा उबरे ने एंड सब लोग उनको देखकर खुश हो जाते हैं। देन तभी उबरे मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देते हैं एंड लीडर से कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पे ही छोड़ दो और बाकी लोगों के साथ मिलकर शील्ड को रिपेयर करो। एंड तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन पे किसी ने अटैक कर दिया होता है एंड ये सब किया होता है डोरोप ने। सो सब लोग उसको देखकर खुश हो जाते हैं, बट देखते ही देखते डोरोप उन पे भी अटैक कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर सब लोग मर जाते हैं। एंड उबरे उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सो डोरोप कहता है, मैंने ही इन लोगों को इनकी जिंदगी दी है तो इसी हक से मैं उनकी जिंदगी वापस भी ले सकता हूँ, ये मुझे धोखा देने का नतीजा है उबरे। तभी सीन
चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं जीली को जो कि लुसियस के अटैक से बच रहा होता है एंड वो उसके अटैक से बचते हुए उस बीच पे अटैक कर देता है जिसके अटैक के इम्पैक्ट को देख कर लुसियस चौंक जाती है एंड सोचती है एक हीलर के अटैक कितने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल असंभव है। एंड जीली कहता है अपनी हार स्वीकार करो और मेरे रास्ते से हट जाओ ताकि मैं टाउन में लोगों की मदद कर सकूं। सो लुसियस कहती है तुम बस बड़ी बड़ी बातें ही करना जानते हो, तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है कि तुम टाउन को बचा सकते हो। लॉर्ड डोरोप ने खुद ही टाउन की बाउंड्री के एन्चेंटमेंट हटाया था और जितने भी गद्दार हैं उन सबको उनकी सजा मिलेगी। और वो जो 12 हीरोज में से एक है, क्या नाम है उसका, हाँ उबरे, उसको तो लॉर्ड डोरोप खुद अपने हाथों से खत्म करेंगे। सो उबरे की बात सुनकर जीली चौंक जाता है एंड सोचता है कि ग्रैंडपा उबरे की शॉर्ट मेरे पास है, अगर वो किसी से फाइट कर रहे होंगे तो शॉर्ट न होने के कारण उनके पास कोई ना कोई डिसएडवांटेज ही रहेगा। मुझे इस आंटी से जल्द छुटकारा पाना ही होगा ताकि मैं ग्रैंडपा की जाके मदद कर सकूं। एंड तभी वो अपनी एलिमेंटल स्किल एनाइलेट का यूज करता है। जीली की बढ़ती स्ट्रेंथ को देखकर लुसियस चौंक जाती है, तभी जीली ब्लेसिंग का यूज करता है जिससे कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है एंड वो तेजी से गायब हो जाता है एंड उसके सामने अपेयर हो जाता है, जिसको देखकर लुसियस डर जाती है। बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, जीली उस पे अटैक कर चुका होता है बट वो लुसियस को जान से नहीं मारता, जिसको देखकर लुसियस चौंक जाती है एंड उससे पूछती है तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं डोरोप एंड उबरे की फाइट को एंड डोरोप काफी ज्यादा स्पेल का यूज करके उबरे पे अटैक कर देता है बट उबरे अपने शील्ड से उससे बच जाता है। एंड डोरोप कहता है उबरे तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उतने ताकतवर हो जितने तुम अपने यंग एज में थे? हो सकता है कि तुम 12 हीरोज में से एक हो, लेकिन अब ये सब बहुत पुरानी बातें हैं और तुम्हें अब जंग लग चुका है। और वहीं दूसरी तरफ मैं गॉड हूँ, वही गॉड जिसके सामने तुम लोग कीड़ों के अलावा कुछ भी नहीं, और अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगा। एंड तभी वो उबरे पे अटैक कर देता है कॉल ऑफ विंड एंड कहता है अपनों को अलविदा बोलने का समय आ चुका है। एंड तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं लुसियस को जो कि कहती है मेरे इतनी जोर दर्द हो रहा है कि मैं हिल तक नहीं पा रही एंड सोचती है कि वो लड़का चाहता तो मुझे मार देता लेकिन उसने ऐसा किया क्यों नहीं। एंड जिली से बोलती है तुम मेरी जान बख्श के क्या जताना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी? नहीं, बल्कि जैसे ही मुझे भविष्य में मौका मिलेगा मैं तुम्हें वहीं खत्म कर दूंगी। सो जिली कहता है तुम्हें बस बकवासी करना आता है, मैंने तुम्हारी जान इस वजह से नहीं बचाई कि तुम मेरा एहसान मानो, बस बात इतनी है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं और मुझे कुछ जरूरी काम भी करने हैं, और रही बात तब की जब तुम फ्यूचर मेरे पे अटैक करोगी तो इतना याद रखना उस टाइम मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमसे बात करेगी मेरी शॉर्ट। एंड तभी जिली वहां से जाने लगता है बट लुसियस उसको रोकती है एंड उबरे का पता बताती है एंड कहती है मैं तुम्हें वापस याद दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ अगर तुम और उबरे साथ में ही डोरोप से लड़ते हो फिर भी तुम लोग डोरोप को हराने के लिए काफी नहीं हो। सो जिली कहता है तुम्हें इस चीज की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड तभी वो तेजी से उबरे की दिशा में बढ़ जाता है एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों को डोरोप एंड जिली की फाइट देखने को मिलेगी। सो उसको मिस तो बिल्कुल मत करना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस साइनिंग आउट।